आप भी खा लो, मैं कह रही हूँ। किसने कहा मैंने पराठा बनाया? समीर ने कहा था। तो वही बना कर ली। कारण मुझे उन्होंने बाहर मैं पैरामेडिक था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अभी ठीक हूँ और एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आज का व्लॉग भी मैंने सुबह के कामों से ही स्टार्ट किया था। रात मैंने रोटी बनाई ना तो आटा ख़त्म हो गया था और फिर आटा गूंदने को दिल ही नहीं किया। अच्छा, बाज़ दफ़ा तो इतनी सुस्ती छाती है ना, इतना कोई सुस्ती आ जाती है कि कोई काम करने को दिल ही नहीं करता। और जो काम आप कर रहे होते हैं ना, बस वही निपटाने के चक्करों में होते हैं कि ये बस ये हो जाए और बाकी काम जो है ना फिर देख लेंगे। और रात मेरे साथ भी यही हुआ था। तो बस मैंने फिर रात आटा गूंदा ही ना, और आटा अभी जो है ना मैं सुबह गूंद रही हूँ। अच्छा, जब से बारिश हुई है ना तो मक्खियाँ भाई बहुत आ गई हैं, और मेरी तो कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ गंदी ना पड़ी रहे, साफ़ सुथरा करके ही रखूँ ताकि मक्खियों से बचा जाए, क्योंकि इसी मौसम में जो है ना हैज़ा वगैरह ये भी बहुत फैलता है। तो बस आटा गूंद के मैं पहुंच चुकी हूँ किचन में, और हस्बैंड जो है ना वो झूले ले रहे थे और मैं धो रही थी यहाँ पे बर्तन, क्योंकि रात थोड़े बर्तन जो थे ना वो जमा हो गए थे। बच्चे जागते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं तो फिर बर्तन जमा हो जाते हैं। मैंने फटाफट से धो लिए हैं जी बर्तन और फिर मैं आ गई हूँ नाश्ते की तरफ। अच्छा, आज जो है ना वो सैटरडे है, और सैटरडे को भाई बच्चों को छुट्टी होती है, तो बच्चे जो है ना वो भी सो रहे हैं और मैं और हस्बैंड जो है ना वही दोनों उठे हुए हैं। तो बस मैं यहाँ पे सालन गरम कर रही हूँ। सालन में रात हमने कल शाम को बनाया था आलू और चिकन, तो वो मैं गरम कर लूँगी और साथ में अपने लिए बना लूँगी रोटी। हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, उन्होंने बस चाय पी थी, और जहाँ पे वो डाल रहे हैं जी अपने लिए चाय, क्योंकि वो सुबह जो है ना वो नाश्ता नहीं करते, बस चाय ही पीते हैं। तो मैं जो था ना वो चाय लेके आ गई थी छत पे। मौसम जो था ना वो कभी सूरज निकल रहा था, कभी बादलों में छुप रहा था, कभी बादल आ रहे थे, कभी धूप आ रही थी, इस तरह का बना हुआ था। और मैं थोड़ा वेट कर रही थी कि मौसम का पता ही चल जाए, क्योंकि मुझे आज लगानी थी मशीन। आज हफ्ता है, तो जब मैं पहले टीचिंग करती थी ना, मैं तब भी हफ्ते वाले दिन ही कपड़े धोती थी। स्कूल से वापसी पे आके मैं मशीन लगा लेती थी और सारे कपड़े जो थे ना वो धो लेती थी, और संडे को मैं कपड़े नहीं धोया करती थी, क्योंकि संडे को और भी बहुत सारे काम होते थे। संडे को बस मैं साफ़ सफाइयाँ करती थी, और बच्चे मेरे उस वक्त छोटे होते थे तो फिर बच्चों के साथ ज़्यादा काम करना बहुत मुश्किल होता था। तो बस जी, जब जितनी देर में मैंने चाय पी ख़त्म की, उतनी देर में सूरज जो था ना बहुत तेज़ी के साथ निकला। बहुत चमकदार धूप जो थी ना वो निकल आई थी, और बादल कहीं गायब हो गए, और फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी जो है ना वो हो चुकी है यहाँ पे। आज तीन चार दिन है जब से बारिशें हुई हैं ना, उसके बाद से ना काफ़ी गर्मी जो है ना दोबारा पड़ने लग गई है। तो बस मैंने फिर यहाँ पे मशीन लगा ली है जी, अब मैं कपड़े धोऊंगी और साथ साथ जो और छोटे मोटे काम है ना घर के वो समेट लूँगी। इस तरह जो है ना वो मुझे सहूलत रहती है। और आप देख सकते हैं कि सूरज जो है ना वो कितना चमक रहा है, और सच में फिर से दोबारा जो है ना वो यहाँ पे गर्मी हो गई है। तो बस जी, यहाँ पे कुछ कपड़े धोने वाले रह गए हैं, कुछ धुल चुके हैं और कुछ जो है ना वो मैं धो रही हूँ, अभी धुल रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद ही मेरी सिस्टर भी आ गई, क्योंकि इसने बाज़ार जाना था ग्रॉसरी वगैरह लेने, और बेटी आ चुकी घर पे है, तो बस वो अपनी मासों के साथ जो है ना वो बाज़ार जाएगी। बच्चे सारे भी उठ गए, तो फिर मैंने उनको बना दिया नाश्ता। बेटे से मैंने मंगवाए जी फ्रूट। अच्छा, आजकल बड़े अच्छे सेब, केले, अमरूद, अंगूर आए हुए हैं जी, पूरे बाज़ार में बाज़ार भरा हुआ है। हर रेड़ी पे जो है ना वो आपको सेब, अमरूद, अंगूर, केले नज़र आएंगे, और रीज़नेबल प्राइस में भी हैं, आप बाय कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नेचुरल चीज़ है, फ़ास्ट फूड की बजाय ये चीज़ें जो है ना वो खानी चाहिए। तो यहाँ मैंने फ्रूट धो के काट के तो इनकी बना लिया जी फ्रूट चाट, और बाहर जो है ना वो आप देख सकते हैं, अगर बाहर का व्यू मैं आपको दिखाऊं तो कपड़े माशाल्लाह से मेरे सारे जो है ना वो धुल चुके हैं, सारे यूनिफॉर्म वगैरह, और साथ के साथ मैंने ना कंबल भी धोने स्टार्ट कर दिए हैं। ये वॉशेबल हैं, ड्राई वाले नहीं हैं, यानी कि ड्राई क्लीन इनको नहीं करवाया जाता, बल्कि मैं खुद ही धोती हूँ। तो यहाँ मैंने कंबल धोने शुरू कर दिए हैं, मैंने कहा चले अभी धूप निकलती है तो सर्दियों के बिस्तर जो है ना वो मैं धोना स्टार्ट कर दूं, ताकि ये अच्छे से सूख भी जाएं।
और रज़ाइयाँ वगैरह तो मैं स्टार्ट में ही धो के जो है ना वो रख लेती हूँ। अच्छा जी, कपड़े धोने के बाद तो मैंने कोई भी काम ना किया, बहुत ज़्यादा मैं थक गई और रात मेरा बीपी जो था ना वो काफ़ी हाई हो गया। मेरी तबीयत जो थी ना वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई। सारी रात मैं वॉमिटिंग करती रही, हस्बैंड भी जागते रहे, मेडिसिन वगैरह मुझे देते रहे, पता नहीं क्या हुआ मुझे तो। और ये है नेक्स्ट डे यानी संडे, तो इस वक्त सुबह मैं उठ ही ना सकी, मतलब कि टाइम से ना किसी ने प्रॉपर नाश्ता किया, ना मैंने बनाया, ना बैठ के हमने नाश्ता किया। दोपहर का टाइम है तो हस्बैंड कह रहे थे लाओ मैं सब्ज़ी काट देता हूँ फिर तुम बना लेना, तो मेरी काफ़ी जो था ना इन्होंने हेल्प की, बेटी ने साथ मिलके सारा काम जो था ना वो किया। फिर मैंने जी सालन बना दिया और रोटियाँ जो थी ना वो हमने बाज़ार से मंगवाई, और फिर सब ने दोपहर का खाना किया खाया। यूँ समझ लें कि नाश्ता और दोपहर का खाना फिर हमने इकट्ठे ही खाया। और इतना शुक्र है कि मैंने सैटरडे वाले दिन जो था ना वो कपड़े धो लिए थे। और इस वक्त है शाम का टाइम और छोटे बेटे का वापस जाने का टाइम जो है ना वो हो चुका है। हम लोग इसे जा रहे हैं छोड़ने वापस, और रास्ते में इसे कुछ स्टेशनरी वगैरह की चीज़ें लेनी थी, तो कह रहा था कि मम्मा मुझे ले दो। और मेरी तबीयत जो है ना वो आज भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मुझे चक्कर ही बहुत आ रहे थे। ब्लड प्रेशर जो है ना मेरा कभी भी हाई नहीं होता, लो ही रहता है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अब जो था ना वो हाई हो गया। शायद कोई एज फैक्टर है कि जो जो आपकी एज बढ़ती है इस तरह की बीमारियां जो है ना वो आपको आके घेर लेती हैं। तो खैर जी, हम यहाँ पहुँच चुके हैं स्टेशनरी वाली शॉप पे, और इसे मैंने एक स्केल बाय करके देना था, बस इसका तो स्केल ही टूटा रहता है, तो बस वो बाय करके दिया, फिर उसको घर छोड़ा और वापस जो है ना वो हम पहुँच चुके हैं। दोबारा से मगरब की अजानें जो है ना वो होने वाली हैं, तो हम मगरब की अजानों से पहले जो है ना वो घर जो था ना वो आ गए थे। यहाँ पे है रात का टाइम और छोटी बेटी को मैंने कहा कि आप अपना यूनिफॉर्म प्रेस करो, मैं पास खड़ी थी, इसको बता रही थी कैसे प्रेस करना है, कितने नंबर पे इस्त्री वगैरह रखनी है, ताकि बच्चे जो है ना वो सीखें काम करना। तो बस जी, यही तक है मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।